अप्रैल 2021 भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव को दो पॉलिटिशियन हैकल करते हैं, फॉर्मर कॉरपोरेटर योगेंद्र चौहान, फॉर्मर मिनिस्टर पीसी शर्मा। इसका रीजन था कि यहां पर एक कोविड से लड़ते हुए पेशेंट की मौत हो गई थी, जिसके लिए ना सिर्फ डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था बल्कि उन्हें हैकल किया जा रहा था। इसके बाद मई 2021 में असम के अंदर एक डॉक्टर को बुरी तरह से एक मॉब ने पीटा। बताते हैं ये मॉब उस पेशेंट से रिलेटेड थी जिसकी मौत इस डॉक्टर के हॉस्पिटल में हुई थी, मगर ये कोई स्टैंड अलोन घटनाएं नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा 2020 में जब पैंडेमिक स्टार्ट हो रही थी तो डॉक्टर जब टेस्टिंग के लिए जा रहे थे तो उन पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। जो डॉक्टर कोविड के वार्ड में तैनात थे उन्हें अपने ही अपार्टमेंट में घुसने से वहां की RWS रोक रही थी। और 2019 की घटना कौन भूल सकता है, जब वेस्ट बंगाल में डॉक्टर परिभा मुखोपाध्याय पर ऐसा हमला हुआ कि उनकी स्कल तोड़ दी गई और उसके बाद पूरे देश में डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई थी। 2017 में इसी तरह से महाराष्ट्र में डॉक्टर्स पर होते हुए हमले को रोकने के लिए वहां के डॉक्टर्स ने भी स्ट्राइक करी थी। तो इन सारे इंसिडेंट्स को देखने के बाद आप एक बात तो कह सकते हैं कि डॉक्टर्स पर होते हुए हमले ना तो रीजन स्पेसिफिक है और ना ही कोई नई चीज है। ये पैन इंडिया प्रॉब्लम एक लंबे समय से चली आ रही है जिसे आप अपने आप में एक एपिडेमिक बुला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन हमलों का क्या डेटा हमारे पास है, क्यों ये हमले बढ़ रहे हैं और एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं कि कैसे हम इन्हें कम कर सकते हैं। Shocking incident caught on camera where a junior doctor from Assam was brutally attacked by locals and the kin of a deceased COVID patient. Scary situation when relatives of patients essentially turn on doctors and start to assault them. There are three patients on one bed. I was beaten up by a woman's family for telling her to be careful during pregnancy. एक मरीज की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने डॉक्टर की पूरी तरह से पिटाई कर दी। डॉक्टर को बेहतर इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कर। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास डेटा क्या कहता है। 2017 का एक रिसर्च पेपर है हमारे पास जिसने हमें एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड बताया। ऐसे हमले जिसके बाद डॉक्टर्स को स्ट्राइक करनी पड़ी उनमें पीक देखा गया था 2007 और 2011 में, मगर 2013 के बाद से कॉन्टिन्यूसली ये हमले बढ़ते ही जा रहे हैं साल दर साल। ये कहते हैं कि ऐसी हर एक स्ट्राइक 2 से 10 दिन तक चलती है और इसके दौरान भी डॉक्टर्स को इमरजेंसी सेवाएं देनी पड़ती हैं। इन मोस्ट केसेस ऐसी स्ट्राइक्स का कोई भी नतीजा नहीं निकलता। 2015 में डॉक्टर के अग्रवाल जो IMA के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे तो उन्होंने एक सर्वे रन करा। उन्होंने बताया कि हमारे देश में 75% डॉक्टर्स पर कभी ना कभी कोई ऐसे जानलेवा हमले हुए हैं और ऐसे 50% हमले ICU के वार्ड में ही होते हैं। ये कहते हैं 70% से ज़्यादा ऐसे हमलों में पेशेंट या उसके रिलेटिव ही जिम्मेदार होते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के सर्वे में बड़ा सिमिलर सा डेटा पता चला है। चाइना में डॉक्टर्स पर होने वाला अटैक 2005 से 2010 के बीच में 1.5 गुना बढ़ा है। पाकिस्तान में एक सर्वे से पता चला कि ऐसे डॉक्टर्स जिन पर कभी ना कभी कोई अटैक हुआ हो उसका नंबर 77% है। सऊदी अरेबिया में नंबर 67% है और ऑस्ट्रेलिया में 58%। USA में यही नंबर 47% है। ये तो क्लियर है कि डॉक्टर्स पर अटैक बढ़ रहे हैं ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी। बट आखिर एक्सपर्ट्स इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं, तो मैं 4 रीज़न्स आपको बताता हूँ। पहला रीज़न है कमर्शियलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर। चाइना के अंदर हुई एक स्टडी बताती है कि अलग अलग फेजेस में डॉक्टर्स पर अटैक बढ़ते हैं। पहले 2 फेजेस में आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर और लो कवरेज अंडर इंश्योरेंस स्कीम्स। अगर भारत में भी आप देखें तो कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हेल्थ केयर सेक्टर में, ओपन लूट चलती है कई सारे हॉस्पिटल्स में। और CEO ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल बताते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम भारत में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ब्रोकन है। हमारा पहला सवाल पेशेंट से उसकी बीमारी नहीं होती बल्कि ये होता है कि आपके पास इंश्योरेंस है क्या। और एक भारत में हुई स्टडी बताती है कि भारत के सबसे गरीब पॉपुलेशन में 90% के पास कोई हेल्थ केयर इंश्योरेंस नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम चलाई गई थी, मगर वो भी अभी बहुत नेसेंट फेज में है। इसके अलावा आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में देखें तो ओवर मेडिकेशन की प्रॉब्लम बार बार निकल के आती है और वो जानकर कई सारे डॉक्टर्स महंगी दवाइयां लिखते हैं क्योंकि उनका कमीशन फिक्स होता है। और इन सब चीज़ों की वजह से एक मिसट्रस्ट क्रिएट होता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर वॉयलेंस का रूप ले लेता है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में घटते हुए ट्रस्ट को लेकर फिक्की ने एक अलग से सर्वे किया था और उसमें कुछ चीज़ें सामने आई जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है, राइजिंग ट्रस्ट डेफिसिट। इस सर्वे में कुछ 1000 लोगों पर ऑनलाइन सर्वे किया गया जो अलग अलग राज्यों से आते थे, अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग थे। और इसमें पता चला कि ऐसे लोग जो ये मानते थे कि हॉस्पिटल उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करता है, इसके नंबर में एक सडन डिक्रीज आया है 2016 से 2019 के बीच में। और ऐसे लोग जिन्हें लगता था कि वो हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस से खुश नहीं है, इनका नंबर मोर देन डबल हो गया है इसी ड्यूरेशन में। और 41% पेशेंट्स को लगता है कि हॉस्पिटल्स उनके फीडबैक लेने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। और पेशेंट और डॉक्टर के बीच में ये ट्रस्ट घटता क्यों जा रहा है, इसके पीछे 3 कारण इस रिपोर्ट में बताए गए थे। पहला कि हमने फैमिली डॉक्टर्स का जो चलन था उसे लगभग गंवा दिया है।
दूसरा कि पेशेंट अब पेशेंट नहीं बल्कि एक कस्टमर बनता जा रहा है। तीसरा, पीपल अपने हेल्थ केयर के बिल पर भरोसा नहीं करते, उन्हें लगता है कि उन्हें ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है और बेकार की चीज़ें उसमें ऐड की जा रही हैं। इसके अलावा एक और तरह के ट्रस्ट में लगातार कमी आती जा रही है, वो है ट्रस्ट टूवर्ड्स साइंस, यानी कि राइज इन एंटी साइंस एटीट्यूड। बाबा रामदेव और उनके जैसे तमाम सारे लोग जो कि आयुर्वेद को प्रमोट करना चाहते हैं, वो कई बारी डॉक्टर्स को लेकर बहुत कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड में बात करते हैं, जिससे कॉमन पॉपुलेशन में एक मिसट्रस्ट क्रिएट होता है। और ऐसे में जब वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर उनके पेशेंट की मौत होती है, तो उनका पहला रिएक्शन होता है कि ये डॉक्टर्स ने जानबूझ कर करा है, और फिर वो वॉयलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा और आखिरी पॉइंट है हमारे ओवरबर्डेंड हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड। पैंडेमिक के दौरान हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया, मगर ये कहानी पैंडेमिक से बहुत ज़्यादा पुरानी है। आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। सोचिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और अचानक से 11 लोग छोड़ के चले जाएं। आपसे कहा जाए इन सारे 11 लोगों की जिम्मेदारी आपके सर पर है, मगर हाँ, आपकी सैलरी जो है वो एक साल तक नहीं मिलेगी। आपकी क्या कंडीशन होगी, आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे उस सिचुएशन में? क्योंकि इसी सिचुएशन में हमारे डॉक्टर्स लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, WHO कहता है कि 1000 लोगों की पॉपुलेशन में एक डॉक्टर होना चाहिए, मगर भारत में 11000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। और ये सिचुएशन WHO के अकॉर्डिंग किसी स्टेट में पूरी नहीं होती। दिल्ली में सबसे अच्छी है, वो भी 2000 लोगों पर, और बिहार में तो इससे 10 गुना ज़्यादा ख़राब स्थिति है। और अगर आप सैलरी को लेकर बात करें तब भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके अंडर आने वाले सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने जून 2020 में कहा था कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है मार्च से, प्लीज़ इस पर कुछ करिए। ये वो समय है जब हम सब ताली और थाली बजा रहे थे। फिर इन डॉक्टर्स की बात जब किसी ने नहीं सुनी तो अक्टूबर 2020 में इन्होंने प्रोटेस्ट किया। जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो NDMC में बैठी BJP सरकार ने कहा कि दिल्ली की गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं दे रही, हम कैसे डॉक्टर्स को पे करें। दिल्ली की सरकार ने कहा कि हमने तो पैसे दे दिए, इन लोगों ने सही से यूज़ नहीं करा। पॉलिटिकल राइवलरी हुई, मगर डॉक्टर्स को पैसे फिर भी नहीं मिले, और इन दोनों ही पार्टियों ने इस इशू को कोई बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं समझी। डॉक्टर्स की ये मांग कोर्ट तक पहुंच गई और ये केस अभी भी चलता जा रहा है। आज से 5 दिन पहले की खबर है कि NDMC कहती है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ बेचकर डॉक्टर्स की सैलरी देने की कोशिश करेंगे। एक साल से लंबा समय है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है देश की राजधानी के अंदर। ऐसे कितने एग्जांपल आपको कितने स्टेट्स में मिल जाएंगे अगर आप थोड़ी सी भी सर्च करने की कोशिश करें। तो ऐसे पथेटिक सिचुएशन में ओवरबर्डन डॉक्टर्स जब सैलरी के बिना काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो पेशेंट से किस तरह से बात कर पाएंगे और किस तरह की उन्हें सर्विसेज दे पाएंगे? और इसी का नतीजा कहीं ना कहीं निकलता है कि डॉक्टर से कुछ चूक होती है और उसके बाद इस तरह की वॉयलेंस, इस तरह के अटैक हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। कई सारे लोगों ने अलग अलग सॉल्यूशन बताए हैं, मैं कुछ लिस्ट करता हूँ। पहला सॉल्यूशन है हेल्थ केयर की स्पेंडिंग को बढ़ाना। इस साल हेल्थ केयर की स्पेंडिंग पहली बार कई सारे सालों में 1% से बढ़ाकर 2.5% की गई है, मगर पिछले 15 सालों से लगातार 1% स्पेंडिंग हम हेल्थ केयर पे करते आ रहे हैं। और ये जो बढ़त भी है वो पैंडेमिक की वजह से ज़्यादा हुई है, इसलिए नहीं कि हम हेल्थ केयर में कोई बड़े बदलाव लाने वाले हैं। तो इस बढ़त को हमें कंटिन्यू करना होगा अगले कई सालों के लिए, ताकि हम एक्चुअल नंबर ऑफ जो डॉक्टर्स हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है वो भर्ती कर पाएँ, हेल्थ केयर के सिस्टम को सुधार पाएँ और इंश्योरेंस की कवरेज पूरे देश में और तेज़ी से बढ़ा पाएँ। दूसरा है सिक्योरिटी को बढ़ाना। 2016 में कर्नाटका के अंदर डॉक्टर सुधींद्र, जो कि कर्नाटका एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के चीफ हैं, उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर्स पर अटैक हुआ तो उन्हें प्रॉमिस किया गया था कि हॉस्पिटल्स में कई सारे एरिया में CCTV कैमरा लगेंगे, मगर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में CCTV कैमरा नहीं लगे। इन्होंने ये भी कहा था कि एटलीस्ट उन एरिया में जो ICU है, जो इमरजेंसी, जहां हम देखते हैं कि 50% से ज़्यादा ऐसी वॉयलेंस की घटनाएं होती हैं, वहां पर एटलीस्ट सिक्योरिटी की बेटर सिचुएशन होनी चाहिए, कुछ गार्ड्स वगैरह अलग से अपॉइंट करने चाहिए। तीसरा सॉल्यूशन है कि नए लॉज लाए जाएं। देखिए, जब पैंडमिक के दौरान हमने देखा कि जो डॉक्टर टेस्ट करने जा रहे हैं उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाई थी, उन्होंने कहा कि कोविड वॉरियर्स पर अगर कोई अटैक करेगा तो 7 साल तक की सज़ा और 7 लाख तक का जुर्माना होगा। मगर इस चीज़ को हमें लगता है कि इसका स्कोप बढ़ाकर सिर्फ कोविड वॉरियर नहीं बल्कि कोविड के बाद तक भी बाकी डॉक्टर्स के ऊपर अप्लाई रखना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीनी तौर पर इस लिखे हुए कानून का इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छे से हो रहा है।
चौथा सोल्यूशन है मोर अवेयरनेस। देखिए, लोगों के बीच में एंटी साइंस एटीट्यूड क्रिएट करने वाले लोग आपको जगह जगह पर मिलेंगे। कोई कहता है कि वैक्सीन मत लगवाओ, कोई कहता है कि डॉक्टर्स खराब हैं। तो इसलिए लोगों के अंदर साइंस के प्रति जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में नज करने की ज़रूरत है। पाँचवा और आखिरी पॉइंट है कि नेग्लिजेंस को पनिश किया जाए। ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई डॉक्टर कई जगह मेडिकल नेग्लिजेंस करते हैं। इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से लोगों की जान जाती है, मगर जब लोग कंप्लेंट करते हैं तो 2018 में पता चला सिर्फ 28% कंप्लेंट पर पनिशमेंट हुई और 2019 में लगभग 40% पर। ये नंबर 100% होना चाहिए ताकि लोगों में ट्रस्ट पैदा हो। अगर हम डॉक्टर्स की कंप्लेंट करेंगे तो उसके रिड्रेसल का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि हमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स को हम भगवान का दर्जा देते हैं, मगर हम ह्यूमंस की हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा है कि हम उन्हीं को भगवान बुलाते हैं जिन्हें हम ह्यूमन राइट्स तक नहीं देना चाहते। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव जब हैकल हो गए तो उनका रोता हुआ एक वीडियो न्यूज चैनल्स पर चला। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सर्विस से रिजाइन कर दिया, मैं रो रहा हूं, मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना, इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया, मैंने मुझे नौकरी नहीं करना दे दिया। और योगेंद्र जी अकेले नहीं है, ऐसे तमाम सारे डॉक्टर्स होंगे जो पिटने और हैकल होने के बाद सर्विस से रिजाइन करेंगे या फिर फॉरेन चले जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स अभी डिसाइड करने वाले हैं कि हम इतना लंबा समय इस प्रोफेशन को दें और इस मुसीबत में पड़े, वो शायद ही इस प्रोफेशन को चूज करना चाहेंगे। आपके पास ब्रेन ड्रेन होगा और टैलेंट की लगातार कमी होती जाएगी, जबकि ऑलरेडी आप इतनी ज्यादा कमी से जूझ रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स हमारी सरकारों की इनकॉम्पिटेंस और बिजनेसमैन की ग्रीड के बीच में पिसते चले जा रहे हैं। अब हमारी हिपोक्रेसी देखिए कि हम एक तरफ ताली थाली बजाने के लिए तैयार हैं, मगर दूसरी तरफ अनपेड डॉक्टर्स पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब डॉक्टर्स पिटते हैं तो हम उन्हें चुपचाप देखते रहते हैं। और हमारे देश का जीडीपी का सिर्फ 1% हेल्थ केयर पर इतने लंबे समय से खर्चा होता रहा और हमने उसे कभी इलेक्शन का इशू नहीं बनाया। लुक एट हाउ हिपोक्रेट वी आर, वी आर रेडी टू क्लैप अबाउट देम बट नॉट टॉक अबाउट देम। और ये एक कड़वी सच्चाई है, जब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे कुछ बदलने वाला नहीं है। इसी कड़वी सच्चाई के साथ इस वीडियो में मैं आपको यहीं छोड़कर जाता हूं। अगले वीडियो में मिलूंगा इसी तरह के एक और इंपॉर्टेंट इशू पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, पिंड कमेंट में आपको एक पेट्रियन का लिंक मिलेगा, वहां पर मुझे ज्वाइन कीजिए। आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, फीडबैक सजेशन सब कुछ मुझे दे सकते हैं वहां पर मैसेज करके। चलिए, आपसे वहां पर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।